सलाम। अच्छा ये कार है, सॉरी एसयूवी या क्रॉसओवर कह सकते हैं आप इसको, प्रोटॉन की X70। तो ये मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त ने ली, तो मैं इसके अंदर बैठा हूँ और इट हैज एक्चुअली इम्प्रेस्ड मी इमीडिएटली। मतलब बहुत क्वाइट इंटीरियर और जो शॉक्स का रिस्पांस है वो आउटस्टैंडिंग रिस्पांस है। और बिल्ड क्वालिटी तो अभी मैंने नहीं देखी, लेकिन मैं तो इसको मतलब ये पहली दफ़ा है कि मैं इसे ड्राइव कर रहा हूँ और ये बहुत सॉफ्ट, इसके जिस तरह कैसे मैं डिस्क्राइब करूँ, आपने वो चलाई होगी अगर किसी ने प्रीमियो, तो जो करोला और प्रीमियो के केबन के अंदर डिफरेंस है आवाज़ का और जो उनके बीच में सॉफ्टनेस का डिफरेंस है, ये उतना ही डिफरेंस मुझे इसमें और वो कौन सी है जो हमारी वो डाले चेसिस के ऊपर बनी हुई है, कौन सी है, टोयोटा की फॉर्च्यूनर। हाँ जी, तो फॉर्च्यूनर समझ लें करोला है और ये प्रीमियो है। तो ये एक बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज है। मेरा ख्याल ये था कि प्रोटॉन जो है वो मैंने मलेशिया में चलाई है, वो मैं जब पहले दफ़ा देखी प्रोटॉन तो वो आई थॉट के लैंसर के ऊपर किसी ने बैच चेंज किया हुआ है, लेकिन वो एक्चुअली प्रोटॉन की थी। बाकी इंजन रिस्पांस ऑब्वियसली इसका टर्बोचार्ज इंजन है और अभी ये धड़धड़ के ऊपर से गुजरी है और इसने बिल्कुल फील नहीं कराई। और जो इसके हॉर्स पावर और टॉर्क है वो बता रहा है कि टर्बो स्पूल अप इंस्टेंटेनियसली होता है और बड़ी जान है गाड़ी में, शिफ्ट लैग नहीं है और टर्बो लैग नहीं है। ये अब जो ओनर बैठे हुए हैं इनका बस नहीं चल रहा कि वो आपसे खुद बात करना शुरू कर दें। लैग नहीं है और बाकी इसका जो है वो प्रॉपर रिव्यू मैं करूँगा। तो ये छोटी सी जो सरप्राइजिंग सी एक फील थी इस गाड़ी ने मुझे सरप्राइज किया, वो बस मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। अमेजिंग इसकी जो है ना वो जो जो इसकी सस्पेंशन है वो बहुत सॉफ्ट है, वेरी वेरी नाइस।